सोलर पैनल किस तरह बनती है और आप घर पर किस तरह सोलर पैनल बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक शीट लेनी होगी जो भी किसी भी कंडक्टर का है, या पे ये एक कॉपर का शीट है, कॉपर का शीट है स्पेसिफिक, ये देखें इसके डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। इसकी लंबाई जो है इस शीट की ये तकरीबन 4 इंचेस है, तो इसकी और इसकी जो चौड़ाई है ये तकरीबन 2.5 इंचेस है। तो आपने 4 और 2.5 इंच का एक शीट लेना है जो कि कॉपर का है। फिर आपने इसके ऊपर इस तरह मार्कर से लाइनें ड्रा करनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। फिर आपने इस पर वर्टिकल लाइनें ड्रा करनी है। फिर आपने सारे शीट को इस तरह मार्कर से लाइन करना है, जो लेफ्ट और राइट वाला वर्टिकल लाइन है इसको मिलाना है और लेफ्ट को राइट तक और राइट को लेफ्ट तक लेके जाना है लाइन को, ये देखें। लेकिन आपने इन लाइन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करना है। फिर आपने पेरिक सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, इसको एक कंटेनर में डालें। कंटेनर में डालने के बाद इस पे जो कॉपर शीट है जिस पे लाइनें लगी थी इसको डबोए। फिर इसको डबोने के बाद इसको निकालें और इसको खुश्क होने के लिए रख दें ताकि ये खुश हो जाए। फिर आपने अल्कोहल से इस प्लेट को धोना है ताकि जहाँ पर हमने मार्कर की लाइनें लगाई थी वहाँ से ये पेरिस सल्फेट जो है ये धो जाए अल्कोहल के साथ, और जहाँ पे नहीं लगी थी तो चिपक जाती है और कॉपर शीट के साथ। तो आप देख सकते हैं ये लाइनें अब इससे मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी अल्कोहल में से धोने के बाद। तो ये साफ हो गई और यहाँ पे सल्फेट रह गई है। आपने अब सोल्डरिंग आयर लेना है और वायर लेना है। सोल्डर की मदद से आपने जहाँ पर कॉपर की शीट रह गई है वहाँ पर आपने सोल्डरिंग वायर्स को इस खाली जगह को पुल करना है। इस तरह आपने करना है और इसको आपने प्लस वाले जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ आपने कनेक्ट करना है। ये देखें हमने सारी जो जगह रह गई थी उसको हमने सोल्डरिंग वायर से किया। अब आपने सिलिकॉन के एक पेस्ट लेना है, सिलिकॉन की और पेस्ट को आपने सारे सोलर प्लेट पर लगाना है, पेस्ट करना है। इस तरह पेस्ट करना है कि प्लेट में कोई भी जगह रह न जाए। आराम से आपने पेस्ट करना है, सारे प्लेट को कवर करना है और फिर आपने उसको धोना है सिलिकॉन को। फिर आपने साफ करना है प्लेट से ताकि जहाँ पर ये सोल्डर आयर लगाई थी वहाँ पर ये न रहे और बाकी जगह पर ये सिलिकॉन की सोल्यूशन जो है वो प्लेट पे लग जाए। तो आपने इस तरह साफ करना है बिल्कुल। अब ये तकरीबन प्लेट तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके साथ वायर्स को कनेक्ट करना है, रेड को प्लस और ब्लैक को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। अब हम इसकी एम्पेयर चेक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों 1.74 एम्पेयर ये रूम के अंदर दे रहे हैं। तो आपने इसको घर पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो मुजरे सेहत होते हैं और मुजरे स्किन होते हैं।